नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने भोला राय प्रधान को किया सम्मानित। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने हनुमानगंज ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा देवकली गांव के प्रधान सच्चिदानंद राय उर्फ भोला राय को अंग वस्त्र आदि भेंट करके सम्मानित किया। सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना को देश से भगाने के दायित्व निर्वहन में लगे प्रधान सच्चिदानंद राय उर्फ भोला राय लगे हैं। लोग घरों में कैद होकर परिवार के साथ समय गुजार रहे हैं तो जंग के तमाम योद्धा दायित्व निर्वहन के चलते परिवार का सुख भूल बैठे हैं। प्रधान सच्चिदानंद राय उर्फ भोला राय समाज सेवा में लगे रहे, ऐसे कर्म योद्धाओं का सम्मान लोगों द्वारा किया जा रहा है। प्रधान सच्चिदानंद राय उर्फ भोला राय ने ग्रामीणों में मास्क, सैनिटाइजर, साबुन आदि का वितरण किया। साथ ही असहाय गरीबों को राहत सामग्री वितरण की। सामग्री में चावल, दाल, आटा के साथ धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक व तेल आदि तक की व्यवस्था की गई। इस दौरान सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है, इसमें अपना जान जोखिम में डालकर देश की सेवा में अपना दायित्व निभा रहे कोरोना योद्धाओं का योगदान प्रशंसनीय है। अपने परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सच्चिदानंद राय है, ब्लॉक हनुमान पर विकास ग्राम पंचायत देवकी विकास हनुमान हूँ। जी, जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर आप अभी तक ने अपने ग्राम सभा को बचाने के लिए काफ़ी हद तक प्रयास किए, काफ़ी हद तक आपका ग्राम सभा सुरक्षित भी रहा, और कोरोना महामारी में जो अपने ग्राम सभा को आप बचाने के लिए जो कार्य किए हैं अपने ग्राम सभा के लिए और सुरक्षित करने के लिए, इसको देखते हुए जो आपने कड़ी मेहनत की है उसको देखते हुए आज आपको चैनल द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, क्या आप जनता को बताना चाहेंगे आपने किस तरह अपने ग्राम सभा को सुरक्षित रखा? मैंने जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई तब से इस खबर में तब से बराबर जागरूक किया गया, सलाह देता रहा कि बना के रहें, अपने घर बनाए सलाह बहुत जरूरी और ज़्यादा जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने जो है, बाकी कोई दिक्कत होता है उसे लोग बताएँ, और लोगों ने इसका बहुत अच्छी तरह से पालन किया और सब लोग स्वस्थ। जी, देश में 90,000 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्या आप देश के लिए और देश के जनता के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे, आप एक ग्राम सभा के मुखिया के तौर पर? अगर लोग अपने अंदर में सुधार नहीं लाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। प्रतिदिन देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन 60,000, 70,000, 90,000 तक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, और ये बस ज़्यादा लोगों में लोगों के अंदर थोड़ा डर कम होने की वजह, और डर कम होने की वजह है लॉकडाउन चल रहा था तो आपका कहने का तात्पर्य है कि जब से अनलॉक शुरू है तब से लोगों में बहुत सी लापरवाही देखने को मिला है, और जो लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं और जिसके कारण आज इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है। 42 लाख के ऊपर जनसंख्या हो चुकी है पूरे देश में, और 20 लाख लोग इसको मजाक ले रहे हैं, सबसे पहली बात मजाक तो लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं। इतनी बड़ी भयानक बीमारी है और इसमें अगर लापरवाही की जाए तो दिक्कत होगी, इसमें अपना दोष है, किसी का अन्य किसी का मतलब कोई गलती नहीं है, और हम जो अपने आप को नहीं सुरक्षित रख पाएंगे तो दूसरा कुछ क्या कर सकता है, सरकार को या। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।